हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। जो भी छात्र हमारे साथ आज़ाद IAS एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए थे, जो IAS और स्टेट PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अब आप में से किसी भी बच्चे को मैं ऐसे ही नहीं बैठने दूँगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ अब आप लोगों को। बहुत आप लोगों में से बहुत बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, लगातार नोट्स भेज रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ मेहनत करने वाला हूँ, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। मतलब बड़े स्तर की मेहनत हमारी प्रारंभ होगी। मैं आप सभी के लिए टारगेट वीडियो प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ। साप्ताहिक वीडियोज़ आप लोगों को उपलब्ध होंगे। हर सप्ताह का वीडियो आप सभी को मिलेगा, हर सप्ताह का वीडियो आप सभी को मिलेगा साप्ताहिक वीडियो प्रोग्राम में। बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। हर रविवार को मैं आप सभी को साप्ताहिक वीडियो दूंगा। अब ये साप्ताहिक वीडियो कैसे होंगे, दो जो कोर्स है सब कुछ मैं बहुत क्रमबद्धता से बचाऊंगा, इसलिए पूरा सुनना है सभी बच्चों को। ऑनलाइन बैच में समग्रता से पढ़ाया गया है, पूरा प्रयास मेरा यही किया गया है। आज़ाद पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पर हर सप्ताह में आपको सेल्फ स्टडी का भी कार्यक्रम मिलता है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हैं, आप पूरी क्लासेस करें, क्लासेस में चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं, नोट्स बनाते जाएं, नोट्स चेक करने का भी माध्यम मिल गया है। अब आपको नोट्स भी शेयर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कब करने हैं। दूसरा पहला काम तो ये हो गया आपका, है ना, कि आपको वीडियो टारगेट प्रोग्राम दिया जाएगा। आपको ये वीडियो टारगेट हर सप्ताह के पूरे करने पड़ेंगे, यानी कि रविवार को आपको दो चीज़ें पता होंगी। एक तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, कौन सी बुक पढ़नी है आजाद पब्लिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। दूसरा वीडियो टारगेट प्रोग्राम, यहाँ पर आजाद IAS एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह या शाम तक आपको एक वीडियो आ जाएगा, जिस वीडियो में आपको पता होगा कि मंडे टू सैटरडे आपको क्या पढ़ना है। एक वीक का टारगेट होगा जो मंडे टू सैटरडे आप लोग पढ़ेंगे। मंडे टू सैटरडे के लिए पूरा वीडियो टारगेट प्रोग्राम होगा सभी बच्चों के लिए। बहुत बेसिक शुरुआत से लेकर के चलूंगा सभी बच्चों को। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पुराने हैं, बहुत समय से जुड़े थे, सबको करना है। फिर से शुरू करिए मेरे साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। रिवीजन भी होगा, काम भी होगा, नोट्स बने हैं, बहुत बढ़िया बात है। नोट्स को अपने देखते जाइए, नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना होगा। जब मैं ये दोनों चीज़ें, जैसे कि सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपका चालू हो रहा है, वीडियो टारगेट प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए एक दिनचर्या शेड्यूल भी बना दूंगा, एक दिनचर्या भी बना दूंगा कि पहले सुबह 6 बजे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर के, है ना, शुक्रवार तक मैं आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पे करवा रहा हूँ। विभिन्न टीचरों के द्वारा आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पे ही पब्लिश किया जा रहा है। आंसर राइटिंग आपकी लाइव चलेगी या फिर वीडियो आएंगे आपको यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर्स में आजाद पब्लिकेशन और आजाद IAS एकेडमी यहाँ पे क्लासेस चलेंगे, लेकिन जो आपकी समग्र अध्ययन है, समग्रता से अध्ययन, डिटेल से अध्ययन, उसको वीडियो प्रोग्राम, जो हमारा वीडियो ये टारगेट प्रोग्राम है, जो आजाद IAS एकेडमी का के ऑनलाइन के बच्चे हैं जो कि दो जगह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहली है वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है www.azadisacademy.com। ये के वेबसाइट है, आप लोगों को पता है, azadisacademy.com। ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल रहा है। दूसरा ऐप है हमारा, ऐप आपका प्ले स्टोर पे है, आजाद IAS एकेडमी के नाम से ही ऐप है, ये आजाद IAS एकेडमी के नाम से ही ये ऐप है आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से जुड़ करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ये प्रोग्राम है। बाकी जो नहीं जुड़े हुए हैं, YouTube पे वीडियोस उनके लिए मिल रहे हैं, या वो जुड़ जाएं यदि वो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन बैच का मतलब है समग्रता से अध्ययन, समग्रता से अध्ययन, चीज़ों को समग्रता से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, समग्रता से अध्ययन। बहुत चीज़ों को कोई भी किसी भी तरीके से हमने कोई वो नहीं छोड़ा, और बहुत सारे कोर्सेज अपग्रेड किए गए आप लोगों के। अब मैं पूरी मेहनत के साथ, पूरे उस शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ लग रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए और काम करिए, ठीक है। तो अब देखिए होना क्या है, कैसे इस पूरे प्रोग्राम को लेंगे, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, दो कोर्सेज हैं आपके, जो IAS और स्टेट PCS के बच्चे हैं, सबके अलग अलग बैच हैं, ठीक है। कुछ बच्चे स्टेट PCS में जुड़े हुए हैं, कुछ IAS में जुड़े हुए हैं, है ना, कुछ समीक्षा अधिकारी वाले भी हैं। तो जो भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए अलग अलग बैच है। जैसे एक बैच हमने बनाया है प्रीकम मेंस, एक बैच आपका होगा प्रीकम मेंस, ये अलग बैच है, या तो आप इस बैच में जुड़े होंगे। एक दूसरा बैच है मेंस ओनली,
ऑप्शनल सब्जेक्ट का टारगेट बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले मैं इन दोनों को टारगेट करूंगा। प्री कम मेंस का टारगेट अलग आएगा, मेंस ओनली का टारगेट अलग आएगा। इसके सब्जेक्ट अलग हैं, इसके सब्जेक्ट अलग हैं। प्री कम मेंस का टारगेट अलग होगा, मेंस ओनली का टारगेट अलग होगा। दोनों के अलग अलग टारगेट आप लोगों के लिए आएंगे, दोनों के अलग अलग टारगेट आप लोगों के लिए आएंगे। संडे को आपको ये टारगेट मिल जाया करेंगे, हर रविवार को आपको वीकली वीडियो टारगेट प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो ये टारगेट प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, आजाद एएस एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से आपको वीडियो टारगेट करना है। और इसके बाद जो है फिर हम लोग आपको फिर क्या करना है, आपको पता है संडे को क्या क्या पढ़ना है। आजाद पब्लिकेशन में आपको सेल्फ स्टडी की बुक्स पता चल जाएंगी, क्या करनी है इस वीक में, पहले वीक से लेकर चलना है। मान लो आप लोगों ने अभी ही देखा तो पहले सप्ताह से लेकर चलना है, और यहाँ पे वीडियो टारगेट प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो आपको एक सप्ताह में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब क्लियर है आपका। सुबह मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग करना है, फिर एक 10 बजे का प्रोग्राम है हमारा, सभी बच्चे उसमें भी जुड़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम जो आजाद पीसीएस एकेडमी में हो रहा है। तो एक बृहद स्तर की मैं आपको शेड्यूल भी बना लूंगा, उस हिसाब से फिर हम तैयारी करेंगे। वीडियो टारगेट भी आपको मिल गए और सेल्फ स्टडी टारगेट भी आपको मिल गया। ऑनलाइन बैच वालों के लिए समग्रता से करंट अफेयर्स की वीडियो आपके टाइम टू टाइम आएंगे, करंट अफेयर्स की भी टाइमिंग आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक ये टारगेट आपके प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। अब हर सप्ताह का मैं आपको टारगेट दूंगा, है ना, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। तो पहले सप्ताह में आपको पता होगा कि प्री कम मेंस में जो, अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या वीडियोस लगे हुए हैं प्री कम मेंस में, जो आपका बैच आपको मिल रहा है उसमें क्या क्या क्लासेस हैं। दूसरा है मेंस ओनली, ठीक है, मेंस ओनली में क्या क्या क्लासेस हैं। यदि किसी क्लास में कोई दिक्कत आती है तो संस्थान से आप संपर्क करेंगे, क्योंकि मैं आपको टारगेट दे रहा हूं तो मैं खुद एक्टिव रहूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा और देख करके ही आपको दूंगा, ऐसे तो दे नहीं दूंगा, है ना, ये भी तो है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ये आपका जो है एप्लीकेशन है जहां पे मैं पहले प्री कम मेंस में देख लेता हूं। सबसे पहले आपका पहली कैटेगरी लगी हुई है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुरुआत हमने की है कि आप पहले ऐप के बारे में, वेबसाइट के बारे में, कोर्स इंट्रोडक्शन, ऐप के बारे में क्या है, बैचेस के बारे में क्या है, लैपटॉप डेस्कटॉप से क्लास करनी है कैसे करनी है, ऑनलाइन बैच के एप्लीकेशन से क्लास कैसे करनी है, है ना, ये सब चीज़ें, आईफोन से क्लास कैसे करनी है, या आपको बुक किट ऑर्डर करना है पब्लिकेशन से, तो वो सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में लगाई गई हैं। इसमें और भी कैटेगरीज बन सकती हैं फ्यूचर में, या हम इन्हीं सब कैटेगरीज में इनको लगा देंगे। तो पहले आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन रहेगा। दूसरा है आपका वर्कशॉप सेशन। आप लोग जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हम चाहते हैं हम ऐसे ही आपको करें ना क्लास, पहले आपका वर्कशॉप करवाएं फिर इसके बाद क्लास शुरू कराएं, जैसे कि ऑफलाइन में होता है। ये कैटेगरी कॉमन है, मेंस, यहाँ मेंस ओनली में भी इंट्रोडक्शन और वर्कशॉप सेशन दोनों की कैटेगरी कॉमन कर दी गई है। इसके बाद आपकी व्यवस्थित क्लासेस प्रारंभ हो जाती हैं, सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी की विषय वस्तु चालू हो जाएगी प्री कम मेंस में। ज्योग्राफी में हमने कई टॉपिक सब टॉपिक बांटे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी की विषय वस्तु आपकी अलग है, इंडियन ज्योग्राफी की विषय वस्तु अलग है, इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग की क्लासेस अलग हैं, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत वीडियो हैं, अब आप टारगेट वीडियो में सब आपको पता चल जाएंगे कितने वीडियो हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय शशि सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय मी, तो दो तीनों सभी के लिए अलग अलग आपको ये मिल जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी, ठीक है, मैं एक बार जो है इंडियन पॉलिटी, इसके बाद प्री कम मेंस में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में ये मैंने करवाया है और क्लासेस अपडेट कर दी गई हैं। फिर वेयर एक्ट की क्लासेस हैं, सारे वेयर एक्ट भी आपको करवाए गए हैं। इसके बाद आपकी हिस्ट्री है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट, ठीक है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हिस्ट्री है आपकी। फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रावेन सर की अभी नई आ रही है संस्था में, अभी तो मैंने करवाई है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अभी न्यू इंडियन इकोनॉमी ये भी आपकी अपग्रेड कर देंगे, तो इंडियन इकोनॉमी बाई रावेन सर, रवि सर, दोनों की रहेगी इसमें और तब आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद आपका है बायोलॉजी, इसके बाद साइंस के टॉपिक लगे हुए हैं, बायोलॉजी बाई रवि प्रकाश आजाद, मैंने करवाया है इसमें, बायोलॉजी बाई रावेन सर, बायोलॉजी बाई शशि सर, अभी शशि सर के द्वारा भी बायो करवाई जा रही है, तो वो भी आएगी आपको। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और तीनों टीचरों का आपको करना है, तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने पर्टिकुलर फिजिक्स बाय रावेन सर,
फिजिक्स बाई शशि सर, तो अभी ये भी आपकी जितनी भी हैं ये भी आ जाएंगे। फिर केमिस्ट्री की विषय वस्तु, केमिस्ट्री भी आपकी करवाई गई है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी प्री कमेंस में हमने करवाया है, इन्वायरमेंट की विषय वस्तु भी आपकी करवाई गई है। फिर आपकी सेंसेस, इन्वायरमेंट डिटेल से करवाया गया आप लोगों का सेंसेस। सेंसेस के बाद आपका फिर करंट अफेयर्स आपको कहाँ पर करना है, जो आजाद IAS अकेडमी और आजाद PCS अकेडमी में आपके। तो ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल से कराए गए हैं। इतनी विषय वस्तुओं के लगातार टारगेट आपके आएंगे, इनमें एक एक कैटेगरी में 100-150 वीडियो है, ये हमारे ऑनलाइन बैच के बच्चे जानते हैं। तो ये इनके लिए रहेगा प्रोग्राम। इसके बाद जो है आपका दूसरा है मेंस ओनली की विषय वस्तु, मेंस ओनली। मेंस ओनली में क्या होगा, मेंस ओनली के जो टॉपिक हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो आपका ऐप अभी अपडेट हो जाएगा आपका इस सप्ताह में, तो मैं आपको अगले मंडे से पूरा टारगेट प्रोग्राम दूंगा। अगला मंडा मतलब मंडे मतलब है, मैं डेट अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगले मंडे को कौन सी डेट पड़ेगी। तो इसमें भी आपका पहले इंट्रोडक्शन मेंस ओनली में है, इसके बाद आपका वर्कशॉप सेशन मेंस ओनली में है, लेकिन अब सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट मैं बताता हूँ मेंस ओनली के सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे जिनके मैं टारगेट दूंगा। पहले दो सब्जेक्ट लेकर के चला करेंगे, इंट्रोडक्शन वर्कशॉप सेशन, फिर एसे हमारे द्वारा करवाया गया है निबंध, आप लोग करेंगे इसे। एसे के बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR, ठीक है, IR की विषय वस्तु। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने करवाई है खुद, आर्ट एंड कल्चर करेंगे, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस ये करेंगे आप लोग, IPI की क्लासेस करेंगे। इसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी है ना, भारतीय समाज। इसके बाद आपका साइंस एंड टेक ये पूरा कंप्लीट कराया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी बाय मी माने रवि प्रकाश जी, मेरी तरफ से जो फिजिकल ज्योग्राफी कराई गई है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय शशि सर, ठीक है। तो ये जो है ये क्लासेस भी आप लोगों को करना है पूरी की पूरी, कोई भी बच्चा सब हम लोग अब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं जो टारगेट देता जाऊंगा क्रम से आएंगी चीज़ें। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस हैं आपकी, DM की क्लासेस बहुत अच्छे से मैंने खुद करवाया है। फिर गवर्नेंस की क्लासेस हैं, शासन व्यवस्था की क्लासेस हैं, ये आपको करना है। फिर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ये क्लासेज आपको करना है। इथिक्स की क्लासेज आपकी हैं, इथिक्स की क्लासेस करना है। और इसके बाद आपकी सोशल जस्टिस की क्लासेज हैं, सोशल जस्टिस की क्लासेज हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक है जो कि आपका पूरा हमने कंप्लीट करवाया है आजाद IAS अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं वीडियो टारगेट के लिए, प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी का वीडियो टारगेट नेक्स्ट मंडे से चालू होगा, यानी कि ये मंडे नहीं, आने वाला मंडे नहीं, इसके अगले मंडे से। कब से चालू होगा मैं डेट एक बार आपको बता देता हूँ, कैलेंडर में डेट क्या पड़ रही है, ठीक है। एक बार डेट देख लेते हैं किस डेट को आपका, ठीक है, ये आपका पड़ेगा। तो मैं एक बार आपकी डेट देख लेता हूँ, अगले मंडे आपको पड़ेगा। अभी तो शायद 28 को पड़ेगा मेरे ख्याल से, 28 को पड़ेगा अगले मंडे, हाँ 28 फरवरी, अट्ठाईस नहीं है आपका शायद, हाँ 28 फरवरी ही नहीं, 28 फरवरी को मंडे नहीं है, फ्राइडे पड़ रहा है, तो आपका ये 28 फरवरी को नहीं पड़ेगा। 24 को भी हम नहीं करेंगे, मार्च में जाएगा शायद, मार्च पड़ जाएगा आपका मंडे, आपको हम करेंगे 2 मार्च, ज़्यादा डिले नहीं होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं डिले होगा, 2 मार्च से हम प्रारंभ करेंगे इस पूरे सेशन को, ठीक है। आपके ये 2 मार्च से प्रारंभ होगा, 2 मार्च से शुरू होगा, 2 मार्च से आपका शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, 2 मार्च से आपकी क्लासेस। तब तक आपका ऐप सही हो जाएगा, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप भी निश्चिंत हो जाएंगे, निष्फिक्र हो जाएंगे, और मेरे द्वारा ये क्लासेस प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो तैयारी करने के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, 2020 मैंने बोला था आपको कर्म करने का साल है, इस साल मैं आपके पूरे वीडियो टारगेट, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, आपका जितना भी सेक्शन है सब पूरा कंप्लीट करा के आपको करवा दूंगा। मास्टर वीडियोस भी आप सभी को दे दूंगा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन के हमारे पास है ना, सब कुछ मिल जाएगा, और बस निश्चिंत होकर आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला था जो समय भी आपका खराब होगा मैं उसकी भरपाई करूँगा, भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी जितने भी ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं। आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आजाद पब्लिकेशन से हर वीक का करना है, करंट अफेयर्स आजाद IAS अकेडमी और आजाद PCS अकेडमी से करना है, मेंस आंसर राइटिंग आजाद IAS अकेडमी में प्रतिदिन होगी मंडे टू आज सैटरडे। बहुत सारे बच्चे सैटरडे को सोच रहे थे कि अभी वीडियो नहीं आया है ना, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।